मुझे उम्मीद है कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से गया होगा। और अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू लेकर, जो पेपर 8 का होगा, जो अभी आप एग्ज़ाम दे के आए हैं। तो चलिए फटाफट एमसीक्यू हम लोग आंसर जानते हैं, क्वेश्चन आंसर जो अभी पंडित सर के द्वारा बताया गया है। तो काफ़ी इजी इजी क्वेश्चन था, कोई डीपली क्वेश्चन नहीं था, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। यदि आप समरी पढ़े होंगे तो क्वेश्चन का आंसर आप इजी तरीके से भी कर पाए होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, जहाँ पे कह रहा है कि मॉडेस्ट प्रपोजल इज़ ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जो मार के आए हैं उन्हें, ये जेविनल जेविनल सटायर, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है कि कासल ऑफ ऑट्रेटो, जो कासल ऑफ ऑट्रेटो है, कब पब्लिश किया गया था। तो ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1764। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कासल ऑफ ऑट्रेटो से ही रिलेटेड है, और ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द सुपर नेचुरल एलिमेंट इन कासल ऑफ ऑट्रेटो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोस्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर डी में हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर डी कहता है कि विच नॉवेल बाय हेनरी फील्डिंग सेटायर्स द कंटेम्प्रोरी लीगल सिस्टम इन इंग्लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हम हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर होगा, ये द कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ टॉम जॉन्स सेजी है फाउंडलिंग। तो इट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हु रॉट द नॉवेल ट्रिस्टम सैंडी, विच इज़ नॉन फॉर इट एक्सपेरिमेंट एंड इन वोकेशनल नरेटिव स्टाइल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लॉरेन एस्ट्रिन। तो जिन्होंने लॉरेन एस्ट्रिन मार किया है, इट इज़ द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर एफ। क्वेश्चन नंबर एफ कह रहा है कि व्हाट इज द टॉम जॉन्स ऑक्यूपेशन, टॉम जॉन का ऑक्यूपेशन क्या था। तो लेबर नहीं था। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, डॉक्टर भी नहीं था और ये भी नहीं था, क्लर्जी मैन भी नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, यानी कि इसमें से कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं अब जी। क्वेश्चन नंबर जी जो कह रहा है, जिसमें कह रहा है कि व्हाट डज स्विफ्ट सजेस्ट अ पोटेंशियल फूड सोर्स ऑफ दी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, काफ़ी सारे लोग मार के आए हैं वेबीज। तो ये जी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एच में आते हैं। और क्वेश्चन नंबर एच कहता है कि विच पोएट लाइफ इज द फर्स्ट टू बी कवर्ड इन लाइफ ऑफ द पोएट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ COWHERDS। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यही होगा कि अकॉर्डिंग टू द स्विफ्ट व्हाट इज द पुअर प्रोज ऑफ पोएट्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई का ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा टू शोकेस द पोएट टेक्निकल स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जे, एट द लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का। और कहता है कि हु इज़ वाइडली कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनियल डिफो, ये इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू कर लिए हैं। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही हुए और कितने गलत हुए हैं, कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिखिएगा। और हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में देख सकते हैं कि शॉर्ट नोट क्वेश्चन में आपका कासल ऑफ ऑट्रेटो से क्वेश्चन आ गया है, जोनाथन स्विफ्ट से क्वेश्चन आ गया है, गॉथिक नॉवल से क्वेश्चन आ गया है, और 18th सेंचुरी जो था उससे भी क्वेश्चन आ गया है, यानी ऑल ओवर जितना सर बताए थे टोटली क्वेश्चन आ चुका है। और लॉन्ग क्वेश्चन अलेक्जेंडर पॉप के बारे में भी आ चुका है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें टॉम जोन्स के बारे में लिखने के लिए कहा गया है। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो क्वेश्चन नंबर बी में ऑप्शनल दिया है कासल ऑफ ऑट्रेटो, यानी कि जो यूनिट 4 नहीं भी करके गया होगा उसके लिए भी हो गया, काम बन गया, क्योंकि यूनिट 3 और 4 से क्वेश्चन दे दिया है। तो इस तरह से ये आपका यूनिट पेपर 8 कंप्लीट हो चुका है। पेपर 9 के बारे में हम लोग और भी डिस्कशन बहुत जल्द करने वाले हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किएंगे तो कर लीजिएगा, मिरेकल ऑफ लिटरेचर में पेपर 9 से रिलेटेड और भी वीडियोज़ अभी आपको तुरंत कुछ घंटों में देखने को मिलेगी। मिलेंगे।